हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो वीडियो लेक्चर पहला अपलोड किया था छत्तीसगढ़ के निर्माण के संबंध में विभिन्न घटनाक्रमों का, उसी वीडियो से संबंधित यह अभ्यास का सेट एक है। जैसे ही जैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा छत्तीसगढ़ के संबंध में विभिन्न प्रकार के विभिन्न तथ्यों से, जैसे इसके बाद में जिला का संगठन या जिला कब बना छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में एक वीडियो लेकर के आऊँगा। फिर उस वीडियो लेक्चर के बाद फिर उसका अभ्यास सेट लेकर के आऊँगा। तो मेरा वीडियो का लेक्चर और अभ्यास सेट साथ साथ चलेगा। पहले मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए अभ्यास सेट लेकर के आऊँगा। यह आप लोगों के कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर CGPSC या CG व्यापम की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसमें मैंने ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया है जो छत्तीसगढ़ व्यापम या छत्तीसगढ़ PSC ने पूछा है या फिर पूछे जाने की संभावना है। वीडियो लेक्चर को शुरू करता हूँ। तो आप सबका हमारे इस YouTube चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। इस चैनल का ये पेज है, इस सब्सक्राइब बटन को आप दबाइए, ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि इस वीडियो इस चैनल में डालने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न जो मैंने लिया है वो है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया है शंकर भुवन योगी ने, मैंने पढ़ा दिया है, ऑप्शन बी सही है। शंकर भुवन योगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया है। कब इसका गठन किया गया था, तो 1976 को इसका गठन किया गया था। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित कब किया था। तो छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया था 9 अगस्त को। याद करिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको मैंने 6 अगस्त लिख दिया था, लेकिन मैंने बताया था कि ये 9 अगस्त है। तो राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था 3 अगस्त 2000 को और पारित किया था 9 अगस्त 2000 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था, तो मैंने बता दिया 1976 को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था शंकर भुवन योगी के द्वारा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका गठन भी शंकर भुवन योगी के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था, 1983 को इसका गठन किया गया था। इसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 28 अगस्त 2000 को, ऑप्शन डी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था, आप सबको पता है 1 नवम्बर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो उसके साथ साथ और कौन कौन से राज्य बने हैं, तो छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य 2000 में बने हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड और उत्तराखंड भी राज्य बना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड कब बना है, झारखंड बना है 15 नवम्बर 2000 को, बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है उसी दिन, झारखंड फॉर्मेशन डे होता है, झारखंड राज्य का गठन दिवस मनाया जाता है। और उत्तराखंड कब बना है, उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं सन 2000 में भारत संघ में 26वां राज्य, यही है, मैंने उसी को नीचे में लिख दिया है, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, 27वां राज्य बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और 28वां राज्य बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को। इसके बाद 2 जून 2014 को छत्तीसगढ़ का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा कथन नहीं है, तो ऑप्शन चार्ट हो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं उसको हम देखेंगे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन, मैं ऑप्शन डी से चालू करता हूँ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 28 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किया था, ये सही है। और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने 9 अगस्त को पारित किया था, ये भी सही है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा ने 31 जुलाई को पारित किया, ये भी सही है। इसके बाद तो ऑप्शन ए बच गया, ऑप्शन ए गलत है, तो इसमें जो गलत है उसी को पूछा है, तो फिर गलत ऑप्शन ए है, तो फिर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। छत्तीसगढ़ भारत का राज्य कितने नंबर का बना, तो मैंने बताया 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 27वां राज्य बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किससे अलग होकर या किसको काट कर किया गया, तो मध्य प्रदेश को
काट कर मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश का 30.47% था, 30.47% था। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया, ये प्रश्न वही है वापस पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के निर्माण के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह। छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो प्रस्तुत कब किया गया था लोकसभा में, 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया गया था, फिर 6 दिन बाद मतलब 31 अगस्त को ये पारित कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था, तो महासभा का गठन किया गया 5-6 को, मतलब 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा किया गया है। उसके बाद आता है 6-7 का गठन किया गया है ब्रदरहुड एसोसिएशन। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालिक राज्य सभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ के मांग हेतु निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया है, तो 1967 यहाँ पे 1967 इम्पोर्टेंट है, 1967 को किया गया था छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किया गया था 1967 को डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। लोकसभा ने राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को किस दिन पारित किया था, तो इसको पारित किया था लोकसभा ने 31 जुलाई 2000 को, और ये प्रस्तुत किया गया था 25 जुलाई 2000 को। ये ऊपर का प्रश्न है 25 जुलाई 2000, और पारित किया गया था इसको 6 दिन बाद 31 जुलाई 2000 को। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन के बारे में मैंने बता ही दिया है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल इसका सही आंसर होगा। 1976 में इसको बनाया गया था, 1967 में इसको बनाया गया था, 1967 में इसको बनाया गया था। छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था, तो प्रस्तुत किया गया था इसको 3 अगस्त को, और फिर यहाँ से 6 दिन बाद मतलब 9 अगस्त को ये पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का गठन जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है। CGPSC में पूछे गए सारे प्रश्नों का संग्रह है जो मैंने इस स्लाइड में डाला है। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के राष्ट्रपति उस समय थे KR नारायण। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया था, इस राज्य के ब्रिटिश प्रांतों को 1861 में पहली बार समाहित किया गया था, उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बना दिया गया था, मैंने पढ़ाया है। तो रायपुर कमिश्नरी का कब बना, मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, तो 1862 इसका उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी क्या थी, 1861 में जब केंद्रीय प्रांत सेंट्रल प्रोविंस बना था तो उसका राजधानी बनाया गया था नागपुर को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत एक संभाग में सम्मिलित किया गया था, 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बना, वही प्रश्न है 1862 को CGPSC Pre 2000 में पूछा गया है। और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया था, 1956 आ गया था छत्तीसगढ़ महासभा का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था। आप सब को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल विनय स्टडी के इनको सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।